अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, आई होप यू ऑल फाइन एंड डूइंग गुड। आप सोच रहे हैं मैं बहुत दिन के बाद आई हूँ। एक्चुअली मैं थोड़ा सा बिजी थी तो मैंने सोचा आपके लिए कोई वीडियो बनाई जाए। तो आज हम कॉकरोच पेंट करेंगे। आप सोच रहे हैं कॉकरोच, गर्ल्स तो सारी कॉकरोच से बहुत डरती हैं। तो मैं आज ये पेंट करूँगी फैबरकैसल की पेंसिल्स जो हैं पॉलीक्रम्स, इनके साथ पेंट करना मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है। सोचा आपके साथ इनका रिव्यू भी देती हूँ और पेंट भी करके देखती हूँ कि ये कैसा है। चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस करें। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। के साथ काफ़ी सारा कॉकरोच पेंट किया और इनको पेंट करते मुझे इन बहुत अच्छी क्वालिटी इन पेंसिल्स की लगी है। बहुत सॉफ्ट है इनका लेड, और ना ही लेड है ये कि ज़्यादा प्रेशर से टूटता है। बड़ी क्रीमी सी, बड़ी सॉफ्ट सी है। तो अगर आप लोगों को चाहिए या कोई भी मेरे व्यूअर्स लेना चाहें, बाय करना चाहें तो कर सकते हैं।
जैसे फैबरकैसल के क्लासिक्स पेंसिल हैं उनके साथ थोड़ा हार्ड होता है और एक बार स्ट्रोक लगाने से वो कलर नहीं आता। इससे ये है कि एक बार ही स्ट्रोक लगाने से, मतलब एक स्ट्रोक लगाने से कलर्स जो है ना वो ही आ जाता है जो कलर है। तो ये मुझे अच्छा लगा इस लास्ट से ना, तो जिसने ये बाय करना है तो कर सकती है। ऑलमोस्ट काफ़ी हद तक जो है कॉकरोच पेंट हो चुका है, तो आपने ज़रूर कमेंट करके बताना है कि आपको कैसा लगा। मैंने काफ़ी हद तक कोशिश की है कि इसको 3D का कर दूं और मुझे बहुत अच्छा लगा इन पेंसिल के साथ पेंट करते हुए। इंशाल्लाह जरूर दोबारा भी इन पेंसिल के साथ पेंटिंग लेके आऊँगी। और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना है, और मेरे नए दिखने वाले जो व्यूअर्स हैं उनको भी वो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और चलते हैं अपनी वीडियो के एंड की तरफ। इंशाल्लाह बहुत अच्छे कंटेंट के साथ दोबारा आऊँगी। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।